दम है तो क्रॉस कर वरना बर्दाश्त कर, ये बात है भाई। क्रॉस करते करते उड़ गया ये। अस्सलाम वालेकुम गाइस, औरंगी टाउन में मौजूद हूँ। इत्तेहाद टाउन से W25 गाड़ी चलती है, देखें ये इत्तेहाद टाउन है, यहाँ से आती है और इस तरफ जाती है रईस अमरोही की तरफ। औरंगी टाउन का एरिया है, W25 गाड़ी है जो कि तेज़ रफ्तारी के, मतलब जाहिर सी बात है ये प्राइवेट ट्रांसपोर्ट माफिया को कोई रोकने वाला नहीं है, सड़कों पे तेज़ी से भगाते हैं। और ये देखें यहाँ पे एक हादसा पेश आया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ लेकिन ये है कि ये हादसा पेश आया जो कि आपके सामने आप फुटेज में देख सकते हैं। गाड़ी इस वक्त उलट गई है यहाँ पर और क्या कहते हैं, पुलिस के अहलकार यहाँ पर मौजूद हैं लेकिन आवाम बिल्कुल भी, मतलब अंदर जो लोग थे उन लोगों को ले कर जाया जा चुका है, यहाँ पर कोई भी नहीं है अंदर। खाली गाड़ी है, तेज़ रफ्तारी के पेश नज़र उलट गई है। इससे मतलब अगर 2 साल पहले देखा जाए, 2 साल के अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसी रोड से आगे जाके एक रोड और है, वहाँ पे भी एक हादसा पेश आया था जिसकी CCTV फुटेज हमने शेयर की थी, जिसमें मतलब एक कचरे के डब्बे से गाड़ी टकराने के बाद तेज़ रफ्तारी की सूरत वो गाड़ी भी गिरी थी। तो इंतहाई अफसोस के साथ मैं आपको करीब से भी दिखाता हूँ, एक मिनट चलें। W25 गाड़ी है ये देखें, क्या हुआ बॉस? हो तो कोई नुकसान तो नहीं हुआ? गाड़ी तेज़ रफ्तारी, ये देख रहे हैं आप, चेक करें आप, ये देखें, ये देखें, चेक करें। बीच सड़क पे ये इत्तेहाद टाउन से गाड़ी आती है W25, यहाँ से बहुत सारे कोचेस चलते हैं जिनका टोकन टाइम होता है, जो बहुत तेज़ चलाते हैं। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट माफिया कोई इनको लगाम देने वाला नहीं है, मतलब एक तो ये तेज़ चलाते हैं और इस तरीके से आप देखें एकदम से यहाँ पे गाड़ी आके लगी और गिर गई है। और ये आगे रईस अमरोही का एरिया है, ये नंबर है इसका, सही है, लिखा हुआ क्या है, दम है तो क्रॉस कर वरना बर्दाश्त कर, ये बात है भाई। क्रॉस करते करते उड़ गया ये। अल्लाह हाफिज़।